दिल्ली से, जहां विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सीएम का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम दिल्ली जाएंगे और सत्र खत्म होने के बाद दिल्ली की तरफ रुख मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है, आज बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं मनोहर लाल। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द होगा, उसको लेकर ही चर्चा करने आज जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली का रुख किया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम दिल्ली जाएंगे और वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के आला कमान से वो मुलाकात करेंगे और कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी और मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार भी किया जाएगा। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस दिल्ली दौरा, शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और यहां पार्टी आला कमान से मुलाकात करेंगे। संवाददाता जितेंद्र चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा, शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ आज चर्चा हो सकती है, किस किस से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री? जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल का जिस प्रकार से अभी तक विस्तार नहीं हुआ है, केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से ही शपथ ली गई है। विधानसभा सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन था और ये माना जा रहा है कि इस सत्र के खत्म होने के बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज शाम मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें बीएल संतोष, कार्य अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं और मंत्रिमंडल के जो नाम है, जो लिस्ट है, उस लिस्ट को लेकर के यहाँ चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, और क्या हरियाणा से भी कोई और नेता या फिर कोई भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री उनके साथ और भी कोई डेलीगेशन पहुंचेगा क्या दिल्ली? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी दो केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा दूसरा जो मंत्रिमंडल है उनका कोई उनका अभी गठन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये चर्चा भाजपा आलाकमान से की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।